दोस्तों महेश्वर रसोई में आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल, एक बहुत ही शानदार और चटपटी रेसिपी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर आपने इससे पहले इसे इस तरीके से ट्राई किया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इसका साउंड सुनिए कितनी खस्ता बनी है। हो सकता है आपने इससे पहले कई बार ट्राई किया हो लेकिन बनाते हुए कई बार दिक्कतें हो जाती है, ऑयल भर जाता है या जब हम बनाते हैं तभी फट जाती है। लेकिन अगर आपने इसे इस तरीके से ट्राई किया तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही खस्ता करारी आपकी ये मक्का आलू की कचौड़ियाँ तैयार होंगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना महेश्वरी अपने चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एकदम आसान लेकिन कुछ अलग तरीके से ये कचौड़ियाँ बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ले लिया है 2 कप जितना मक्के का आटा। बस जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आटे को एक बार चेक कर लें, अगर ज़्यादा मोटा है तो आप उसे मैदा छानने वाली जो छलनी होती है ना उसके साथ छान लें, और अगर सही है तो कोई बात ही नहीं है, तो बस हमारा आटा तो एकदम परफेक्ट है। तो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस ऑन करी, उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में हम डालेंगे बस 1 टीस्पून जितना या 1 टेबल स्पून जितना नॉर्मल कुकिंग ऑयल। आपको इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। और उसके बाद मैंने ली 1/2 टीस्पून जितनी अजवाइन, जिसे क्रश करके डाल दिया। इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। फ्लेवरफुल चीज़ें डालेंगे तो फ्लेवर तो आना ही है। और उसके बाद डालेंगे 2 कप जितना पानी, और पानी में आने दिया थोड़ा सा उबाल। और उसके बाद मैंने डाली इसमें 1 पिंच जितनी हल्दी, जिससे बढ़िया सा कलर निकल के आएगा। आप चाहें तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। तीखेपन के लिए 1/4 टीस्पून जितने लाल मिर्चें, और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक। और अब ये देखिए पानी में फटाफट से उबाल आ गया है, इन चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया। अब हमने वो जो मक्के का आटा लिया था ना, अब बारी है उसे डाल देने की। फ्रेंड्स ये डो लगाने का एक बहुत ही अलग सा तरीका है, लेकिन यकीन मानिए बस ये छोटा सा प्रोसेस अगर आप ये कचौड़ियाँ बनाते हुए करते हैं ना, आपकी कचौड़ियाँ इतनी शानदार बनेंगी, ऑयल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और साथ ही परफेक्ट बनेंगी, फूली फूली बनेंगी। तो बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और कचौड़ियों का आप रिजल्ट देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि कचौड़ियाँ कैसी बनी हैं। बस गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इसको कर दिया है अच्छे से मिक्स। हो सकता है फ्रेंड्स इस समय आपको डो थोड़ा बिखरा बिखरा लग रहा हो, लेकिन घबराइए नहीं, एकदम परफेक्ट है। तो इसे करीब 10 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर साइड से रख देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम इसकी बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग। तो उसके लिए फिर से गैस ऑन कर दिया है और उस पर रख दिया है एक भारी से पैदे की कढ़ाई, और उसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल आपको इस समय भी कम डालना है, बस कचौड़ियाँ जब वगैरह बनाते हैं तो इस स्टफिंग में आप बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें। उसमें गया 1/2 टीस्पून जितना मस्टर्ड सीड, 1/2 टीस्पून जितना जीरा, बिल्कुल 1 पिंच जितनी हींग डाल दिया है। और सब चीज़ों को अच्छे से गरम कर लिया। 2 हरी मिर्चें डाल दी, अगर आपको तीखा कम पसंद है तो मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है एक बड़े साइज का प्याज, जिसे चॉपर में चला लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं और बिना प्याज के बनाइए, तब भी बढ़िया बनेगी। प्याज को इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो, और आप चाहें तो कच्चे प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस प्याज हल्का सा गुलाबी सा हुआ, मैंने डाल दी कसूरी मेथी और 1 टीस्पून जितना सूखा धनिया, और ये मैंने लिया है 2 टीस्पून जितना कचौरी मसाला। इसमें होता है कच्चा जीरा और होल धनिया और थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें। तीखेपन के लिए 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्च, और ये गया 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना गर्म मसाला ले लिया है। और मसाले के साथ प्याज को और 1 मिनट तक भून लेते हैं, जिससे मसाले के साथ प्याज का फ्लेवर एकदम अच्छे से कम्बाइंड हो जाएगा। और ये लीजिए 1 मिनट हो चुका है, अच्छे से हमारा प्याज भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 4 उबले हुए आलू, और फ्रेंड्स मैंने आलू को उबाल लिया है, कद्दूकस कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमारा लच्छा है वो एकदम खिला खिला सा है, यानी कि मैंने आलूओं को ओवर कुक नहीं किया है। आप पराठे या कचौड़ी बनाते हुए ज़रूर ध्यान रखें कि आलूओं को ओवर कुक ना करें। ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक। और अब बारी है स्टफिंग को अच्छा सा भूनने की। आप कचौड़ी की स्टफिंग जितनी अच्छी भून लेते हैं, आपकी कचौड़ी उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। और ये गया हरा धनिया, करीब 3 से 4 मिनट तक हम स्टफिंग को अच्छे से भून लेंगे। जब स्टफिंग में मॉइस्चर नहीं रहेगा
तो कचौड़ियाँ बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही खस्ता तैयार होती हैं। और स्टफिंग तैयार हुई, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। और इधर हमने ये जो आटा रखा था, अब इसे देख लेते हैं। इसे रखे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये गया थोड़ा सा हरा धनिया। और अब आइए इसे बहुत ही अच्छे से मसलने की। जितना अच्छा आप इसे मसल लेंगे, आपकी कचौड़ियाँ उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होंगी। इसे मसलने में फ्रेंड्स आपको करीब 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। तो बस आप हथेलियों के साथ एकदम टाइट हाथ से इसे अच्छे से मसल लें। और इस स्टेज पर अगर आपको लग रहा है कि मिश्रण कुछ ज़्यादा ही सूखा है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई कोई मक्का जो होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेती है, कोई मक्का थोड़ा सा कम पानी लेती है। वैसे तो नॉर्मली जितना हम मक्के का आटा लेंगे बिल्कुल उतने ही पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल लें। लेकिन ये एकदम परफेक्ट है। और ये देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं और हमारा जो डो था एकदम परफेक्ट लगकर तैयार हो गया है। ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कई बार फ्रेंड्स जब हम मक्का की इस तरीके की कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो आटा जो होता है वो थोड़ी देर बाद गीला गीला सा हो जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप डो बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। आप इसे सुबह से शाम तक रखिए, ये बिल्कुल भी ढीला नहीं होगा। उसके बाद जैसे नॉर्मल हम पूड़ियाँ बनाते हैं, हाथों को हल्का सा चिकना करके उस तरीके से इसके बॉल तोड़कर तैयार कर लीजिए। इससे कोई मतलब टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, बस बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हमारे जो पेड़े हैं वो पहले से तैयार हैं। तो ये लीजिए, हमारे ये पेड़े भी तैयार हो गए हैं। और इतने हमने जो स्टफिंग की थी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, क्योंकि स्टफिंग अगर गर्म रहती है तो भरने में दिक्कत करती है। और ये देखिए, बस स्टफिंग को अच्छे से ऊपर नीचे करके बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। आपको देखने से ही फील हो रहा होगा कि स्टफिंग काफ़ी ड्राई सी तैयार हुई है। तो बस अब हाथों को फिर से या तो आप गीला कर सकते हैं या हल्का सा चिकना कर सकते हैं। इसे जो बनाने का प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा सा अलग है, और जो इसको बेलने का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा अलग है। तो बस इस तरीके से मैंने इसे फिल किया और साइड उठाते हुए हम इसे बंद कर लेंगे। और इसके लिए आपको बेलन की ज़रूरत नहीं है, बस हथेली का ये वाला हिस्सा लीजिए, हल्का सा प्रेस कीजिए। जब आप इसे इस तरीके से प्रेस करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार होती है। और एक और बना लेते हैं। बनाते हुए ध्यान रखिए कि साइडों को आपको एकदम पतला पतला सा कर लेना है और बीच का हिस्सा रहने दीजिए थोड़ा सा मोटा। और ये लीजिए, हमारी एक और कचौड़ी बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें आपको बेलन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसे बेलन से बेला तो हो सकता है पतली हो जाए और फटने का डर बन जाए। ऑयल को कर लिया मीडियम गरम और एक बार में जितनी कचौड़ियाँ आराम से आ सकें आप उतनी डाल दीजिए। कोई इशू नहीं है कि आपस में टकरा कर टूट जाएंगी या कोई सेकने में प्रॉब्लम होंगी। और मैंने करीब खूब सारी कचौड़ियाँ जितनी ऑयल में आ रही थी डाल दी हैं। एक मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद जब कचौड़ियाँ ऑयल में थोड़ा थोड़ा फ्लोट करने लगी हैं तब हम उसे टर्न करेंगे। और ये देखिए, कचौड़ियाँ ऑयल के ऊपर अच्छे से फ्लोट करने लगी हैं। इन कचौड़ियों को सीखने में फ्रेंड्स करीब 8 मिनट का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि एक तो कचौड़ियाँ हैं ऊपर से थोड़ी सी मोटी हैं। अगर जल्दबाजी की तो क्या होगा, कचौड़ियों पे कलर तो आ जाएगा लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो बस थोड़ा सा टाइम भी दीजिए। और ये देखिए, हमारी जो कचौड़ियाँ थी बहुत ही अच्छे से सीख चुकी हैं, काफ़ी अच्छा सा ये फूल चुकी है। तो बारी अब इन पर थोड़ा सा कलर देने की। उसके लिए फ्लेम को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आपको शुरू के 4 से 5 मिनट इन्हें सेकना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, और उसके बाद फ्लेम को बढ़ा दीजिए जिससे बढ़िया कलर आ चुकेगा। ओवरऑल मैंने कचौड़ियों को 8 से 9 मिनट सेका है तब हमें ये वाला रिजल्ट मिलकर तैयार हुआ है। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने रखा ये कचूमर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और हींग वाली आलू मटर की सब्जी, और उसके साथ रखी अपनी ये बहुत ही खस्ता करारी और एकदम फूली हुई कुछ नए तरीके से बनी हुई मक्का आलू की भरवा कचौड़ियाँ। साथ में 2 मिर्चें रख दी हैं। फ्रेंड्स सिर्फ कहने की बात नहीं, आप साउंड सुनिए कितनी खस्ता हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। क्या पता नॉर्मली क्या होता है जब हम मक्का की कचौड़ियाँ बनाते हैं, बहुत सोगी सी बनकर तैयार होती हैं, लेकिन ये कचौड़ियाँ 6 से 8 घंटे क्या 12 घंटे भी एज इट इज रहेंगी। और देखिए, समोसे जैसी एकदम शानदार बनकर तैयार हुई हैं। तो मुझे तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बहुत ही शानदार रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें।